जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड एवा पेक थ्योरम प्रूव किया था और कहा था कि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। और इसके साथ हमने कुछ क्वेश्चंस को भी पिकअप किया और कहा ये भी था कि इसके आगे जो वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे या इन बड़े मार्वलस क्वेश्चंस को हम लोग उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं उस कड़ी में, आ जाइए। एक क्वेश्चन ये है कि सो दैट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सो दैट द सीक्वेंस यूएन दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड एवव, ये प्रूफ करना है दिस, कि ये जो सीक्वेंस है हमारे पास यू एन वन प्लस वन बाई एन रेस टू दी पावर एन, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या माई सीक्वेंस है और बाउंडेड एवव है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा एक दो बड़ा हमारा सीधा सा पार्ट है कि हम एक जनरल मैथमेटिक्स जो है लगाएं उसको यू वन यू टू यू थ्री कुछ टर्म निकाल के देखें कि वैल्यू क्या आ रही है, उसके बाद हम उसको प्रूफ करें कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। एक तो हो गया और दूसरा एक हो गया कि जो प्रॉपर वे जो मैथमेटिक्स का हमारा प्रूफ करने का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग करें। तो अगर एकेडमिक में आप यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हैं तो फिर तो वैसे सॉल्व करेंगे नहीं, तो प्रॉपर प्रूफ चाहिए। और दूसरी बात कि हम ऐसे क्वेश्चंस का जो कॉम्पिटिशन्स में आएगा उसका यूज कैसे करेंगे वो भी बात करते हैं। तो लगाने के पहले थोड़ा एक कुछ हम रिजल्ट यहाँ जो इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में प्रूव किए थे उसको थोड़ा मैं यहाँ रिव्यू कर दूँ ताकि चीज़ें दिमाग में आ जाएँ। वो ये था हम लोगों का कि रिजल्ट ये रहा है, और लोग नोट करें इस रिजल्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जो लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उसको तो नोट करें ही करें, जो एकेडमिक में है वो भी नोट करें तो फर्दर वे उनके लिए अच्छा रहेगा। कि इफ यूएन बी एम आई एंड बाउंडेड एवव देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन इज इक्वल टू एम वेयर एम इज सुप्रीमम। दूसरा रिजल्ट ये है कि इफ यू एन बी एम डी एंड बाउंडेड बिलो देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू एल वेयर L is infimum of un। क्या है ये रिजल्ट, ध्यान से देखा जाए। कह रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एवव है तो वो कन्वर्जेंट होता है, ऑलरेडी एक ही है। हमने यहाँ क्या लिखा, हमने इस रिजल्ट की बात की है, ये है वो, हमेशा ऐसा होगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ जो यू एन जो मिलेगा वो लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगा। तो लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मतलब यही लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी यू एन, बट वो लास्ट टर्म तो है नहीं क्योंकि एन इन्फिनिटी तो होता नहीं है। तो बहरहाल हम ये बात कह सकते हैं उसके आगे की बात तो फिनिश हो जाएगी, जो होगी वो मेरी बाउंड्री हो जाएगी। तो लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी यू एन मतलब ये हम जनरली सीक्वेंस का लास्ट टर्म ट्रीट करते हैं। वैसे तो हम जब सीक्वेंस लिखते हैं तो ये हमारा टर्म हो गया ना, यू वन यू टू यू थ्री एंड आर्ट सो वन यू एन ए। अच्छा जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कहते हैं तो फुल एंड फाइनल की बात आ जाती है कि इसके बाद कुछ भी नहीं। तो वो ही मेरा जो कंसेप्ट है कन्वर्जेंट का, लिमिट का, लिमिट पॉइंट का डेवलप हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस एम आई है और बाउंडेड एवव है तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन जो निकालेंगे जो भी आएगा वो मेरा सुप्रीमम होगा, यानी कन्वर्जेंट होगा। और यहाँ भी वही बात होगी कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन जो मिलेगा ना वो इन्फिमम मिलेगा अगर एम डी सीक्वेंस है और बाउंडेड बिलो है।
ये हमारा है। अच्छा, यहाँ भी सीक्वेंस का लास्ट टर्म होता है और यहाँ भी सीक्वेंस का लास्ट टर्म होता है, ये क्लू को थोड़ा दिमाग में रखना है। चलिए ठीक है, अब अपनी बात पे आते हैं। यहाँ हमारा जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में जो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस है ये है दिस। अगर एक हम लोग ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स ऑर्डिनरी कैलकुलेशंस की बात करें तो un कितना होगा, 1+1^2 हो जाएगा। अगर u2 मैं निकालूं यहाँ 2 लिखूं तो ये 3/2 हो जाएगा और 2^2 मीनिंग 9/4 हो जाएगा। और अगर मैं u3 निकालूं तो 4/3^3 हो जाएगा और ये 64/27 हो जाएगा एंड आर्ट्स वन। तो अगर ऐसे प्रॉपर एक जनरल कैलकुलेशन अगर हम करें तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है u1 < u2 < u3 ऐसे निकालें तो ये चीज़ होगी। बट दिस इज नॉट द प्रॉपर प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ऐसे हम प्रॉपर प्रूफ नहीं है। प्रॉपर प्रूफ तो ये है ना कि हम ये चीज़ प्रूफ करें कि un+1 > or = un फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। दिस इज द प्रॉपर प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। और कोई भी अगर हमें MD या MI सीक्वेंस दिखाना है तो ये प्रॉपर प्रूफ है मेरा। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन हियर, दिस इज द क्वेश्चन। अब हम इसको प्रूफ करने के लिए वो जो मैथमेटिक जो टेक्निक है ना उस टेक्निक को अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं एक थोड़ा यहाँ रिजल्ट लिख दूँ, हो सकता है कि लिसनर्स को ध्यान से उतर गया हो और वो नोट भी करें, सीरियसली इस चीज़ को नोट करें तो और अच्छा रहेगा। रिजल्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई n पॉजिटिव नंबर्स है, कोई भी n पॉजिटिव रियल नंबर्स, जैसे मैं लिखूँ यहाँ a1 a2 a3 and ऑर्ड्स 1 an, तो इसका जो अर्थमेटिक मीन जो am होता है वो a1 + a2 + a3 + ऑर्ड्स 1 an / n ये होता है। और जियोमेट्रिक मीन जो gm होता है वो a1 * a2 * a3 + ऑर्ड्स 1 an / 1/n होता है। जनरली 2 के लिए तो पढ़े रहते हैं, स्कूल स्तर से सीखते चले आते हैं। अगर a1 a2 2 है तो a1 + a2 / 2 हो जाएगा। और 2 अगर कोई नंबर्स, मतलब पॉजिटिव नंबर्स की बात होती है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए am और gm निकाला जाता है, तो a1 a2 1/2 वही √a1 a2 होता है वो जियोमेट्रिक मीन। बट अगर हमारे पास n अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं जैसे ये, तो उसके लिए am और gm का हमारा फार्मूला ये है, इस फार्मूले से हम कैलकुलेशन करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि मुझे ये जैसे प्रूफ करना है, mi का मतलब ये हुआ, तो un तो ये है हमारे पास, un + 1 क्या होगा, व्हाट un + 1 = 1+1/n+1 / 2^n+1। यानी अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि 1+1/n+1 > or = 1+1/n / 2^n, तो बात प्रूफ हो जाएगी फॉर ऑल n। या फॉर ऑल n मतलब क्या है, n कुछ अगर टर्म छोड़ करके भी ये बात प्रूफ करते हैं तब भी तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का कंसेप्ट है। उसको हम लोगों ने क्या कहा था, अल्टीमेटली कहा था, अल्टीमेट वो मोनोटोनिक इंक्रीज होता है या डिक्रीज हो जाता है कोई बात नहीं, वो अल्टीमेट वर्ड हटा भी देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सीक्वेंस के कुछ टर्म को छोड़ देने के बाद अगर नेचर देखते हैं तो अल्टीमेटली हम लोग वही कहते हैं कि सीक्वेंस का नेचर वही है, चाहे फॉर ऑल n लिखा है या ग्रेटर देन 3 लिखा है 4 लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नंबर से छोड़ देने के बाद उसका रिदम अगर एक जैसा है तो फिर वो mi कहा जाएगा या md कहा जाएगा, जैसी बात आएगी। तो चलिए अब इसको देखिए हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, कैसे मैथमेटिक टेक्निक चीज का हम लोग यूज करने जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ 1+1/n का n+1 फैक्टर्स ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं देखिए, कंसीडर 1+1/n, ऑफ कोर्स दिस इज द पॉजिटिव रियल नंबर फॉर ऑल n, कोई भी नंबर लिखिए नेचुरल, 1+1/n एंड ऑर्ड्स 1 1+1/n, ये यहाँ से यहाँ तक हमने n टर्म्स लिखा है एंड एक नंबर हमने 1 ले लिया दिस, तो टोटल्स जो मेरे हुए वो n+1 हो गए, ये हो गए n+1 मेरे नंबर्स हो गए ये। अच्छा अगर इनके मैं am की बात करूँ, इसके am की, तो फिर am होगा क्या, टोटल्स मेरे टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 + ऑर्ड्स 1 n और एक और है, तो n+1 टर्म्स हैं, तो कैसे निकालेंगे, यूजिंग दिस फार्मूला, तो 1+1/n
प्लस वन प्लस वन बाई एन प्लस एंड आर्ट्स वन वन प्लस वन बाई एन, यहाँ से यहाँ तक एन हो गया प्लस एक और वन हमने लिखा है दिस वन अपान एन प्लस वन, दिस हो गई यूजिंग दिस कंसेप्ट हियर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मिलने वाला है, ये हमारे एन टर्म्स तक हैं तो एन इंटू वन प्लस वन बाई एन ये हो गया प्लस वन अपान एन प्लस वन। इसको अगर हम सॉल्व करें तो एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, अब इसकी जो वैल्यू आएगी वन प्लस वन बाई एन ये मैं लिख सकता हूँ दिस हो गई बात। यानी अगर ये हमारा कोई नंबर्स है तो इसका जो एम आया वो ही आया। अच्छा अभी मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, रीजन्स उसका क्या है, अभी वो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो एम हमारा ये जो एन प्लस वन जो क्वांटिटीज थी जो पॉजिटिव नंबर्स था उसका एम ये हो गया। अच्छा अब जीएम क्या होगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा इस चीज़ को डिलीट कर दूँ। मुझे उम्मीद है कि ये रिजल्ट लिसनर नोट कर लिए होंगे, और वो नोट कर लें ही तो अच्छा है, क्योंकि वो बड़ा जो है ना बाकमाल गुल खिलाएगा जो क्वेश्चंस हम लोग पिकअप करेंगे, अच्छे अच्छे टेक्निकल क्वेश्चंस CSIR नेट गेट के जो भी नेशनल स्तर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं जब उसको हम पिकअप करेंगे तो दिखाएंगे कि देखिए इस रिजल्ट का कितना ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, या कैसे जो पेपर सेटर्स हैं इस रिजल्ट का खूबसूरती से यूज करके क्वेश्चंस को टेक्निकल बनाते हैं। तो ये मेरी बात हो गई एम ए आ गया। अच्छा अगर मैं यहाँ जीएम की बात यहाँ करूँ इन्हीं नंबरों के जीएम की, तो फिर क्या होगा कि जो एन प्लस वन जो क्वांटिटीज़ है इसका मुझे प्रोडक्ट करना होगा, तो वन प्लस वन बाई एन दिस वन प्लस वन बाई एन कहाँ तक ये एन फैक्टर हो गया दिस इन टू वन ये हो गया, अब रेस टू द पावर वन अपान कुल कितनी क्वांटिटीज़ है एन प्लस वन ये हो गया ठीक है। तो अब जीएम क्या होगा, व्हाट इज़ द जीएम, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक हमने एन क्वांटिटीज़ ली है, तो सेम क्वांटिटीज़ का अगर मल्टीप्लीकेशन है तो वन प्लस वन बाई एन रेस टू द पावर एन हो गया, इन टू वन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अब ये पावर हो गया वन अपान एन प्लस वन। तो इसकी मीनिंग हो गई कि वन प्लस वन बाई एन रेस टू द पावर वन अपान एन प्लस वन, और एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज एन अपान हो जाएगा। और ये सबको एक स्कूल स्तर से ये रिजल्ट पता है कि एम हमेशा ग्रेटर देन जीएम होता है, ऑलरेडी वी नो दैट एम ग्रेटर देन जीएम। अच्छा अगर एम अगर जीएम से ग्रेटर है तो इस क्वांटिटीज का एम हमारा ये आया है, दिस इज द एम क्या है वन प्लस वन अपान एन प्लस वन दिस इज द एम, ये ग्रेटर देन होगा जीएम मतलब वन प्लस वन बाई एन रेस टू दी पावर एन अपान एन प्लस वन। अच्छा अब एन प्लस वन पावर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड में, कोई फर्क इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन क्वालिटी पे, क्योंकि पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव नंबर है तो वहाँ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पॉजिटिव नंबर से करने पे इन क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मैथमेटिक्स की यह गेम इजीली खेली जा सकती है। तो एन प्लस वन पावर हम चढ़ा दे रहे हैं दोनों साइड में, इन क्वालिटी वही रहेगी, तो वन अपान वन प्लस एन प्लस वन यहाँ रेस टू दी पावर एन प्लस वन हो गया ग्रेटर देन। अब देखिए क्या नज़ारे दिखाई देते हैं, एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा एन, नज़ारा ये हुआ कि ज़बरदस्त चीज़ मिल गई ना कि ये जो मेरा है वो यू एन प्लस वन है, ये ग्रेटर देन और ये ही मेरा तो यू एन है, देखिए कैसे चीज़ें यहाँ आ गई, यानी यू एन प्लस वन ग्रेटर देन यू एन है। मीनिंग ये हो गई कि अगर हम इस कंसेप्ट का यूज करें तो मैं बात ये 100% बड़ी खूबसूरती ढंग से प्रूव किया गया कि यू एन प्लस वन ग्रेटर देन यू एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, राइट, एन कुछ भी हम नंबर ले लें, वन ले लें, टू ले लें, थ्री ले लें, फोर ले लें, फाइव ले लें, कोई भी नंबर ले लें, किसी भी एन की बात करें सबके लिए रिलेशन मेरा ट्रू है। तो मीनिंग क्या हो गया कि जो गिवन सीक्वेंस है दिस इंप्लाइज जो सीक्वेंस ए एन है इज स्ट्रिक्टली हो गया। अब यहाँ एक और ज़बरदस्त चीज़ मिल गई, स्ट्रिक्टली एम आई सीक्वेंस है, स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ये, ठीक है ये बात तो प्रूफ हो गई। अब ये है कि मुझे ये प्रूफ करना है कि ये बाउंडेड एबव है, तो ये भी प्रूफ करना है बाउंडेड एबव है। एक बात और हम थोड़ी यहाँ लिसनर से कह रहे हैं, अरे रिजल्ट उस चीज़ को ध्यान रखें, हमेशा कीप इन माइंड रखें मैथमेटिक्स में कितनी चीज़ों को लिखी जाएगी, क्योंकि नोट बनाना है तो पूरा वो पुराण और महाभारत तो करेंगे नहीं आप।
अगर कोई सीक्वेंस स्ट्रिक्टली आर सिंपली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो सबको पता है, अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ लिसनर बी सीरियसली वॉच हियर और इसको दिल दिमाग में आप बैठा लीजिए। क्या कहा हमने? हमने ये कहा कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, स्ट्रिक्टली रहे या ना रहे, तो ये हो गया यू एन लेस देन आर इक्वल टू यू टू, यही तो लिखते हैं यू एन, ये ऐसे चलेगा रिदम, सीक्वेंस के नंबरों का रिदम ऐसा होगा। अच्छा लास्ट टर्म क्या होगा? मैं सीक्वेंस के की दुनिया में अगर बैटिंग कर रहा हूँ, सीक्वेंस के प्लेटफार्म पे बैटिंग कर रहा हूँ, तो लास्ट नंबर का मतलब ये आप समझें, भले ही नेचुरल नंबर इन्फिनिटिव नहीं होता है, बट जब हम लास्ट की जब बात आते हैं ना, तो ये आप समझें, जब हम लास्ट टर्म्स की बात सीक्वेंस की करते हैं तो इसकी आप बात करें, लिमिटेशन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन, तो बेसिकली हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के सेंस में। तो ये जो वैल्यू आएगी यही हमारा क्या देता है? सुप्रीमम देता है, जो भी होगा ध्यान में रहना चाहिए। और इस एज हम इसको रिजल्ट कहें और दिल दिमाग में बैठा लें तो अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि जब क्वेश्चंस बनते हैं टेक्निकल ना, तो सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो लिमिटेशन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन जो भी होता है ना, वो सुप्रीमम होता है, राइट? ठीक इसका उल्टा, अगर सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो क्या होगा? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग अगर सीक्वेंस है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन जो निकालेंगे वो मेरा इन्फिमम आता है, ये भी एज ए रिजल्ट इसको ध्यान रख लें। अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और वो बाउंडेड बिलो हो, तब अगर बाउंडेड बिलो नहीं है तो फिर वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटिव जा सकता है, तो चलिए कोई बात नहीं, अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटिव हो गया तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, कहानी फिनिश हो जाएगी, सीधे वो डाइवर्जेंट की श्रेणी में आ जाएगा। तो बहरहाल डाइवर्जेंट भी तो सीक्वेंस होता है, तो उसको हम लोग हल्के में तो ले नहीं सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सिंपली ये है कि अगर कोई सीक्वेंस हमारा एमडी सीक्वेंस है, एमडी साहब है, मतलब कैसे लिखे जाएंगे, तो फिर ये यू एन ग्रेटर देन यू टू ये होगा, ऐसे चलेगा। अब अगेन इसके लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमने कहा ये आप निकालिए, यही फैसला सब कुछ करता है। गरियन के टर्म में सीक्वेंस दिया है तो यही सीक्वेंस की अंतरात्मा है, यही उसका दिल दिमाग छुपा हुआ है, ये अगर निकाल लेंगे तो सब फैसले सीक्वेंस के हो जाएंगे, फिर तो कुछ बचा ही नहीं रहा, ठीक है? तो ये जो निकलेगा ना, ये इन्फिमम निकलता है। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि इंक्रीजिंग में सबसे लास्ट टर्म तो ठीक है बड़ा होगा, सुप्रीमम होगा, और डिक्रीजिंग में भी लास्ट टर्म सबसे छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नंबर यूएन मिलेगा, उसके बाद जो भी नंबर मिलेंगे सब छोटे होते चले जाएंगे, और लास्ट सबसे छोटा मिलना है, और इन्फिमम का मतलब ही होता है कि जो लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा है, मतलब यहाँ जो सबसे छोटा नंबर ये जो मिलेगा वो इन्फिमम हो जाएगा। और यही रिजल्ट भी है जो इन्होंने रिजल्ट लिखा भी कि अगर कोई सीक्वेंस है एमडी सीक्वेंस है और बाउंडेड बिलो है तो ये जो वैल्यू निकालते हैं ना वही इन्फिमम होता है, और सीक्वेंस इस पॉइंट पर भी ही कन्वर्ज करता है, ठीक है? ये बात मेरी हो गई। अब हमने ये चीज़ प्रूव किया कि यूएन प्लस वन ग्रेटर देन यूएन है, यस। अब मुझे अब इसकी बात करनी पड़ेगी कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो लास्ट टर्म का फैसला अब ये करेगा, अगर ये इन्फिनिटी मिल गया तो फिर वो डाइवर्ज हो जाएगा। तो देखते हैं ये हो गया, ओहो ये तो स्कूल स्तर से बड़ा फेमस है ना, वो चार घातांकी श्रेणी हिंदी वाला जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज कहते हैं, ये हमारा एक्सपोनेंशियल सीरीज है और सबको पता है ना इसकी वैल्यू ई होती है, और ई की वैल्यू टू और थ्री के बीच में होता है, दिस टू और थ्री के बीच में होता है। तो बात ये हो गई हमारी कि ये जो सीक्वेंस हमने लिखा है, हमने तो प्रूव किया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, लेकिन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव यू एन इज इक्वल टू ई आ गया, और ई आ गया मतलब दिस इज द सुप्रीमम हियर, ठीक है? ये तो बात निकल गई, हम ये चीज़ जानते हैं, बट दिस इज नॉट ए प्रॉपर प्रूफ। लेकिन ये प्रॉपर प्रूफ नहीं है कि ये सीक्वेंस मेरा बाउंडेड एबव है, दिस इज नॉट प्रॉपर प्रूफ। ये तो प्रूफ हो गया कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बट वो बाउंडेड एबव है, क्योंकि हम तो ये जानते हैं तब ना हमने ये लिखा, तो
अगर कन्वर्जेंट अगर हो गया सीक्वेंस तो फिर एक रिजल्ट है ही हमारे पास कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एवफ है तो कन्वर्जेंट होता है। तो अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंड कन्वर्जेंट हो गया तो बाउंडेड एवफ होगा ही, बाउंडेड एवफ क्या बाउंडेड बिलो भी होगा क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, बड़ा फेमस रिजल्ट है ये। तो कहने का हमारा मतलब क्या, मुझे तो ये प्रूफ करना है ना कि ये सीक्वेंस है बाउंडेड एवफ है। तो कैसे प्रूफ करेंगे उस चीज़ को जरा यहाँ देखा जाए, कैसे हम लोग मैथमेटिक्स की वो टेक्निक चीज़ों का यूज करते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि कैसे इस चीज़ को प्रूफ किया जाता है। यहाँ जो un हमारा है, un इज व्हाट, 1+1/n रेस टू द पावर n। अब बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो सबको पता है कि बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन, और बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम में ना इस चीज़ का बड़ा यूज करते हैं जो भी मैं लिखने जा रहा हूँ एक्सपेंशन का, और वो भी हमेशा लिसनर को चीज़ें जबान पे याद रहनी चाहिए। बहरहाल जो मैथमेटिक किस स्तर पे तैयारी करता है तो उसको तो याद होना ही चाहिए। वो ये है कि 1+x^n का जो एक्सपेंशन होता है 1+nx, ये तो सबको पता है, बाई फैक्टोरियल 2x² + n n-1 n-2 बाई फैक्टोरियल 3x³ + n-1, ये है हमारा एक्सपेंशन। तो अगर हम इस कंसेप्ट का यहाँ यूज करें तो क्या लिखेंगे, 1+n के जगह n है और x के जगह 1/n, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x के जगह 1/n और n के जगह तो n ही लिखना है, तो 1/n ये हो गया, प्लस n n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू x² तो 1/n² प्लस नेक्स्ट क्या होगा, जो नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट वो ये है कि n n माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 1/n³ + n-1। लास्ट में एनियट टर्म में लिखने जा रहा हूँ तो जरा ध्यान दें लिसनर, एनियट टर्म में कैसे लिखूंगा, जैसे हाँ ये जो टर्म हमने लिखा है फैक्टोरियल 2 का या फैक्टोरियल 3 का, तो जो लास्ट में लिखूंगा वो फैक्टोरियल n आएगा। अब उसमें क्या बातें होंगी कि जैसे हमने यहाँ जैसे यहाँ फैक्टोरियल 3 है तो यहाँ जो टर्म आया है ना 3 से एक कम आया है, n n माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 1/n³। अगर मैं n की बात करूँगा तो कैसे लिखूँगा, अगर इस चीज़ को ध्यान दें या इस फैक्टर को ध्यान दें तो कैसे होगा, n n माइनस 1 n माइनस 2 n डॉट्स 1, लास्ट टर्म क्या होगा n माइनस, यहाँ नीचे तो मुझे लिखना है ये फैक्टोरियल n इंटू 1/n रेस टू द पावर n, ये करना होगा। जैसे 3 था तो 1/n, फैक्टोरियल 3 था तो 1/n³, फैक्टोरियल 4 होगा तो 1/n रेस टू द पावर 4। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं हम, यहाँ फैक्टोरियल 2 था तो 1/n, तो लास्ट टर्म में एनियत की बात अगर लिखने जाऊँगा एक्सपेंशन का लास्ट टर्म तो क्या होगा 1/n रेस टू द पावर n होगा, यहाँ फैक्टोरियल n। अब यहाँ लास्ट टर्म में क्या लिखूंगा वही से फैसला करिए, जैसे n माइनस 2 है तो n माइनस 2 मतलब क्या होगा कि यहाँ जो लिखे हैं उससे एक कम, जैसे यहाँ देखिए n माइनस 1 यहाँ जो लिखे हैं उससे एक कम, तो यहाँ n है तो क्या होगा जो भी यहाँ आएगा इससे एक कम आएगा मतलब n माइनस 1 आएगा, ये होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, n n माइनस 1 n माइनस 2 लास्ट में ये 1 हो जाएगा अपान फैक्टोरियल n 1/n रेस टू द पावर n। अच्छा इसके अगर जस्ट एक पीछे की बात की जाए तो यहाँ 2 आएगा, जस्ट इसके पीछे की बात की जाए 3 आ जाएगा, जैसे यहाँ n माइनस 1 अगर लिखेंगे फैक्टोरियल n माइनस 1 तो यहाँ 2 वाला पार्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, इसके जस्ट n माइनस 1 के पहले वाला पार्ट n माइनस 2 लिखेंगे तो वहाँ 3 वाला आ जाएगा, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो लास्ट जो मेरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, उस चीज़ को मैं लिख दूँ यहाँ, वो आएगा n n माइनस 1 n माइनस 2 n डॉट्स 1, यहाँ 2 इंटू 1 ऐसे अपान फैक्टोरियल n, ये हो गया इंटू 1/n रेस टू द पावर n, ठीक है। यस अब चलिए ये तो कैंसिल हो गया, 1+1 हो गया प्लस, अब यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ से n कॉमन कर लिया जाए तो n स्क्वायर हो जाएगा, ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो फार्म बनेगा हमारा 1-1/n दिस बाई फैक्टोरियल 2, अब n स्क्वायर तो यहाँ के समाहित हो गया, कैंसिल हो गया इनकी महिमा,
अब यहाँ देखिए, यहाँ से एन कामन करिए तो एन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एन कामन करिए तो एन क्यूब हो जाएगा, और एन क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा क्या, यहाँ यहाँ ऐसे आएगा वन माइनस वन बाई एन दिस एंड वन माइनस टू बाई एन अपान यहाँ फैक्टोरियल थ्री आएगा, बाकी एन क्यूब कैंसिल हो जाएगा। और यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करिए तो क्या लिखेंगे, देखिए वन माइनस वन बाई एन आएगा, वन माइनस टू बाई एन आएगा एंड आर्ट्स वन वन माइनस थ्री बाई एन आएगा, लास्ट में यहाँ टू बाई एन आएगा, वन बाई एन आएगा, और ये जो होगा इनसे कैंसिल हो जाएंगे, कहानी इनकी फिनिश हो जाएगी, जैसे ये सब चीज़ें यहाँ हो रही थी, अपान यहाँ सीधे फैक्टोरियल एन हो जाएगा। ये हो गया मेरा, दिस इज द यू एन ईयर, राइट। अच्छा अब एक चीज़ हम यहाँ और यूज करने चाहेंगे, देखिए हमें ये इम्प्रूव करना है कि ये बाउंडेड जो है ना एवप है, मतलब ये कि सिक्वेंस का हम मैक्सिमम वैल्यू निकालने जा रहे हैं, कि सिक्वेंस की जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो यहाँ इस कंसेप्ट का मैं यूज करूँगा, वो कंसेप्ट ये है कि देखिए वन अपान फैक्टोरियल टू इंटू वन माइनस वन बाई एन लेस देन वन बाई फैक्टोरियल टू होगा, 100% बात दावे के साथ की जा सकती है, कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स, यानी कोई वैल्यू ले लीजिए, लिखिए देखिए हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वन माइनस जब भी एन लिखेंगे तो वन से लेस हो जाएगा, और वन से लेस क्वांटिटी का वन बाई फैक्टोरियल टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वन बाई फैक्टोरियल टू से कम होगा। सेम यही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करिए कि वन बाई फैक्टोरियल थ्री इंटू वन माइनस वन बाई एन वन माइनस टू बाई एन, डेफिनेटली ये जो भी मेरी वैल्यू आएगी लेस देन वन बाई फैक्टोरियल थ्री होगी ये। अच्छा अगर मैं यहाँ n अगर 1 लिखूंगा ना तो काम गड़बड़ा जाएगा, n यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, तो n नॉट इज इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन 2, ये बात हो जाएगी यहाँ, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो कहानी फिनिश हो जाएगी, 0 लेस देन 1 बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है, वो तो भी बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो 0 तो लेस देन होगा ही, तो फार ऑल n चलिए, कोई हैव नो एनी प्रॉब्लम हियर, यस दिस इज द राइट हियर। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ये कंसेप्ट मैं यहाँ यूज करूँ तो मैं क्या लिखूँगा, यू एन लेस देन वन प्लस वन, ये क्वांटिटी अगर हम ये यूज करें, ये यूज करें तो लिख सकते हैं प्लस वन बाई फैक्टोरियल टू प्लस वन बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस एंड डॉट्स वन, लास्ट में ये मैं लिखूँगा वन बाई फैक्टोरियल एन। अब इसका मैं नामकरण संस्कार स्टार कर दे रहा हूँ, यानी जो यू एन जो मेरा जो सिक्वेंस है ना उसका जो एन एन टर्म होगा इसके सम से छोटा होगा, राइट, ये तो बात हो गई मेरी। अब एक चीज़ और हम यहाँ यूज करने जाएंगे, वो भी बड़ा मार्वलस रिजल्ट है, देखिए इस क्वेश्चन में कितने रिजल्ट यूज हो रहे हैं और हर रिजल्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ये भी लिखा ना, इसमें भी सीरीज पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और एक चीज़ और मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको भी मैं रिजल्ट ही कह रहा हूँ, और आप भी कृपया उसे रिजल्ट ही कहें तो बेटर रहेगा, वो रिजल्ट ये है कि फैक्टोरियल एन ऑलवेज ग्रेटर देन टू रेस टू द पावर एन माइनस वन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री, दिस इज ए रिजल्ट हियर, इसको आप रिजल्ट कहें बहुत अच्छा होगा, दिस इज द रिजल्ट हियर, हम इसको रिजल्ट ही कहते हैं, आप भी रिजल्ट कहें, बड़ा इसका यूज होता है। अच्छा फैक्टोरियल एन अगर ग्रेटर देन टू रेस टू द पावर एन माइनस वन है तो मैं इस बात को अगर लिखूँ, अगर इसको मैं रिवर्स कर दूँ, पॉजिटिव नंबर पर गेम हो रहा है तो रिवर्स करने पर इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, वो तो पता है, ये हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री, ये बात होगी। अब एन इज इक्वल टू थ्री फोर फाइव सिक्स, थोड़ा मैं यहाँ अगर लिखूँ तो देखते हैं क्या आता है, चलिए यहाँ थ्री लिख देते हैं, तो वन बाई फैक्टोरियल थ्री लेस देन वन बाई, अगर मैं यहाँ थ्री लिखूँगा तो टू स्क्वायर आएगा, वन बाई फैक्टोरियल फोर लेस देन, अगर मैं फोर लिखूँगा तो ये आएगा, अगर मैं 5 लिख दूं तो लेस देन 1 अपॉन 2 रेस टू दी पावर 4 आएगा, अगर इन सबको मैं ऐड करूं ऐसे तो फिर क्या होगा देखा जाए, 1 बाई फैक्टोरियल 3, 1 बाई फैक्टोरियल 4, 1 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस एंड डॉट्स 1, 1 बाई फैक्टोरियल सॉरी यस यस फैक्टोरियल n, ये लेस देन होगा व्हाट, 1 बाई 2 स्क्वायर, 1 बाई 2 क्यूब, 1 बाई 2 रेस टू दी पावर 4 प्लस एंड डॉट्स 1, जब n के जगह मैं n ही लिखूंगा तो ये तो फाइनली ये मेरा आ जाएगा दिस। अभी ये जो क्वांटिटी हुई ये लेस देन, ये क्या है अगर देखा जाए तो दिस इज द व्हाट, ये मेरी जियोमेट्रिक सीरीज है ना, दिस इज द जियोमेट्रिक सीरीज। अच्छा कॉमन रेशियो कितना है इसका, 1/2 है, यस, तो इसके अच्छा टर्म्स कितने हैं, टर्म्स भी देख लीजिए आप लगे हाथ, जो यहाँ 2 है 2 से n-1 है यहाँ,
तो 2, 3, 4 अच्छा यहाँ 1/2 हम ऐड कर दें थोड़ा, क्यों ऐड करने जा रहे हैं, थोड़ा एक सीक्वेंस देखा जाए कि यहाँ से हम यहाँ तक निकालें ना, 1/3, 1/4, 1/5 एंड 1/n, इसकी वैल्यू जो हम निकाले हैं लेस देन ये हो रहा है। तो 1/2 अगर मैं यहाँ ऐड कर दूँ तो क्या होगा देख लीजिए, तो थोड़ा एक सीक्वेंस मिल जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस एंड आर्ट्स वन में लिख दूँ 1/n लेस देन 1/2 1/2² प्लस एंड आर्ट्स वन 1/ अच्छा ऐसा करने पर होगा क्या ना, दिस इज द जियोमेट्रिक सीरीज और यहाँ पावर 1 है, यहाँ n माइनस 1 है, तो 1 से n माइनस 1 सबको पता है कि तो टर्म्स जो हो गए n माइनस 1 हो गए, दिस इज द जियोमेट्रिक सीरीज और जियोमेट्रिक सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है 1/2 है और कॉमन रेशियो भी 1/2 है, तो फिर SEN जो फार्मूला होता है वो ये होता है ना, जो फार्मूला भी मैं लिख दूँ, दिस इज द सम ऑफ द यानी टर्म ऑफ द जियोमेट्रिक सीरीज, तो चलिए सम करिए, ए 1/2 हो गया, दिस 1 माइनस 1/2 अच्छा एन की जगह कितना है एन माइनस 1 है, अपान क्या हो गया 1 माइनस 1/2 अच्छा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि 1/2 प्लस 1/3 एंड आर्ट्स 1/n लेस देन व्हाट, ये आ गई हमारी वैल्यू 1 माइनस 1/2 रेस टू दी पावर एन माइनस 1 ये हो गया। ठीक है अब यहाँ क्या 1 प्लस 1 मीनिंग ये 2 है, अगर मैं 2 दोनों साइड में ऐड कर दूँ तो चलिए थोड़ा मैं इसको यहाँ डिलीट कर लूँ, देखिए क्वेश्चंस कैसा है, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, बट मैं यहाँ कुछ चीज़ें इसके रिजल्ट का यूज़ करूँगा, कंपटीशन में तो प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं, उसके लिए तो हमने फर्दर अवे ऑलरेडी रिजल्ट लिख के बात कर दी है, चुटकी बजाते ही मैटर फिनिश हो जाएगा, बट एकेडमिक के लिए अगर आपको प्रूफ करना है तो सब सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी इन द प्रॉपर वे, दिस इज द प्रॉपर प्रूफ आप दिस क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ 2 ऐड कर दूँ दिस 1 प्लस 1 कर दूँ 1 प्लस 1 प्लस 1/2 1/3 प्लस एंड आर्ट्स 1/n तो ये लेस देन हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस व्हाट क्या आया 1 माइनस 2 रेस टू दी पावर एन माइनस 1 अच्छा ये जो कहानी इधर की हो रही है ना वो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए हो रही है, बी सीरियस ही फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 1 लिख दीजिएगा, ये तो यहाँ सबके लिए सिर्फ ट्रू है, बट जो हम इस रिजल्ट का यूज किए हैं यूजिंग दिस रिजल्ट, तो ये रिजल्ट उनके लिए ट्रू है जो एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है। तो बहरहाल सीक्वेंस की दुनिया में किसी फाइनाइट नंबर टर्म्स के बाद गेम हो या शुरू से गेम हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिदम वही रहेगा। तो चलिए तो ये हो गया लेस देन 2 प्लस, अब इसको ध्यान से देखिए तो यूएन लेस देन दिस क्वांटिटी यूजिंग स्टार की बात अगर कर लें हाँ हम एक लाइन में, ये तो सही है कि ये फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, अगर यहीं हम यूजिंग स्टार की बात कर लें तो फिर क्या होगा कि ये जो क्वांटिटी है इससे लेस है और ये जो है हमारा इससे लेस है, तो फाइनली यूएन जो होगा लेस देन दिस 2 प्लस, यानी मैं लिख सकता हूं कि यूएन लेस देन व्हाट 3 2 प्लस एंड दिस इज ए पॉजिटिव नंबर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, आप लिखिए क्या फर्क पड़ता है 3 या 3 से ग्रेटर कोई भी नंबर लिखेंगे दिस इज अ पॉजिटिव नंबर 100% कोई भी यहां 3 या 3 से ग्रेटर नंबर पिकअप करेंगे सबके लिए नंबर है मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो 2 प्लस तो डेफिनेटली वो 2 से बड़ा होगा बट लेस देन 3 डेफिनेटली इक्वल 3 में लिख सकता हूँ, लेस देन 3 तो बात कर ही सकता हूँ, तो यूएन लेस देन 3। और इसके पहले अभी हमने U2 निकाला था, U2 की जो वैल्यू आई थी अगर नहीं सॉरी UN अगर मैं यहाँ लिखूँ तो UN ऑलरेडी निकाला था कि यहाँ हो जाएगा 2 और 2 रेस टू दी पावर 1 ये 2 हो जाएगा, तो मीनिंग मेरी क्या हो गई कि जो सिक्वेंस के जो टर्म्स है अगर U2 मैं निकालूँ तो U2 क्या आएगा, यहाँ हो गया 1 प्लस 1/2 रेस टू दी पावर 2 और ये हो जाएगा 3/2 मतलब ये हो गया मेरा 9/4 दिस, और 9/4 का मतलब ये हो गया कि ये जो भी वैल्यू आएगी ये ग्रेटर देन 2 होगी, बातें लिख सकते हैं। अच्छा U3 भी मेरा ग्रेटर देन 2 होगा क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो U3 U2 से बड़ा होगा, U4 मेरा U3 से बड़ा होगा, राइट हो गया, और ये फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है, ये कहानी चल रही है, तो मीनिंग क्या हो गई कि जो सीक्वेंस के जो सारे नंबर्स हैं मेरे वो ये हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, राइट,
सीक्वेंस के सारे जो मेरे नंबर्स हैं वो इनके बीच में है। अच्छा अगर वन की भी मैं बात कर दूं तो यू वन यहाँ टू है तो यहाँ इक्वल साइन हो जाएगा, तो कोई बात नहीं लिखी जा सकती है। अगर एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री लिखते हैं तो फिर ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। अच्छा अगर यू एन भी अगर लेना चाह रहे हैं तो सिंस यू एन की वैल्यू टू है तो यहाँ इज इक्वल करना पड़ेगा। बट फाइनली मैं ये जो रिजल्ट ये निकाला हूँ फॉर आल एन ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू थ्री के लिए निकाला हूँ, तो जो रिजल्ट होगा फॉर आल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री के लिए ही लिखा जाएगा। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि ये सिक्वेंस जो मेरा है बाउंडेड है, तो बाउंडेड एवब भी है बाउंडेड बिलो है, तो मुझे प्रूव करना था कि बाउंडेड एवब होगा। यस दिस सिक्वेंस इज बाउंडेड एवब। या दूसरी बात देखिए, अगर मुझे ताबड़तोड़ लगाना होगा तो सिंपली बस यूं निकाल लीजिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई एन रेज टू दी पावर एन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस वैल्यू इज द ई होती है, और ई की जो वैल्यू होती है वो टू और थ्री के बीच में होती है। हो गया, यानी ये जो सिक्वेंस यू एन होगा वो ई पे कन्वर्ज करेगा और टू और थ्री के बीच में है। तो दिस इज द प्रॉपर प्रूफ ऑफ दिस सिक्वेंस। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एक एक चीज़ को जो स्टूडेंट सीरियसली वॉच कर रहे हैं उसको ध्यान दें। एक बात और, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब कोई भी वीडियो लेक्चर्स डालें तो आपको तुरंत मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।